नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसके बारे में आज पूरा देश बात कर रहा है। हर प्रकार की बातें हो रही हैं। खबर निकली है मणिपुर से, जहां पर महिलाओं के साथ हुई हैवानियत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। जब से ये खबर आई है, संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सुबह इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि वीडियो के आधार पर 12 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की घटना की निंदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसका इस्तेमाल राजनीतिक टूल के तौर पर कर रही है। विपक्ष मणिपुर को लेकर हमलावर है और सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं को उठाते हुए कांग्रेस और टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया। पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से दो दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया, इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। तो हुआ क्या है? दरअसल मालदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां दो महिलाओं की पिटाई की गई और उनके कपड़े तक फाड़ डाले गए। खबरों के मुताबिक ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है। मालदा के पकुआ हाट में दो महिलाओं को लोगों ने चोरी करने के आरोप में पकड़ा था। इनकी पिटाई करने वालों में महिलाएं ही शामिल थी और इससे पहले हावड़ा में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। पंचायत चुनाव की एक महिला उम्मीदवार ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर निर्वस्त्र कर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। ये घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है। 13 जुलाई को महिला ने पुलिस को ईमेल करके शिकायत की थी। अपनी शिकायत में महिला ने कहा था कि 8 जुलाई को हेमंत रॉय और दूसरे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरन पोलिंग सेंटर से बाहर कर दिया और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। इस दौरान उनका यौन उत्पीड़न भी किया गया। बंगाल के डीजीपी ने हावड़ा के मुद्दे पर कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने प्राथमिक जांच में ऐसी कोई घटना नहीं पाई है, लेकिन इस मामले की जांच चल रही है। कंप्लेंट लिस्ट से ईमेल भी डेटा के साथ ही साथ एसपी हावड़ा रूरल से कंप्लेंट आके थाना के बोल रहे हैं कि इमीडिएटली डेटा के मिनिमम इंक्वायरी कर रहे हैं और साथ ही साथ एक एफआईआर তদন্তে তো তার মধ্যে নম্বর এক যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পাওয়া যাচ্ছে কি এইরকম যে ঘটনা ওখানে ঘটেছে সেটা নিয়ে কোনো রকম তথ্য কিংবা কোনো রকম এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। शुक्रवार को बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी के मणिपुर मुद्दे पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में भी मणिपुर जैसे ही हालात हैं। अपनी बात रखते हुए वो भावुक हो गई। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। तो ये तो बात हुई मणिपुर और पश्चिम बंगाल की, लेकिन राजस्थान से भी दो ऐसी वारदात सामने आई हैं जिस पर विपक्षी बीजेपी हमलावर है। करौली जिले में बीते 14 जुलाई को एक 19 साल की युवती की हत्या कर दी गई और उसकी पहचान छुपाने के लिए उस पर हमलावरों ने एसिड डालकर उसके शरीर को जलाने की कोशिश की। उसके बाद दूसरी घटना जोधपुर की है, जहां बीती 16 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया।
जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर मुख्यमंत्री गहलोत का गृह जिला भी है। गहलोत ने आवाज उठाने वाले मंत्री को पद से हटा दिया है। सर, कल ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुड़ा को क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं और इसी के लिए हम गए थे, जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा ही है, तो और सच बोलने की सजा मिली है मुझे। तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। साधना भारती हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्वेता शालिनी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती के पास जाना चाहूंगी। साधना भारती जी, काफी गंभीर मामला है, मणिपुर का तो मामला है ही, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश परेशान है, शर्मनाक है, दिल दहलाने वाला है, लेकिन बाकी जगह के मामले इससे कम तो नहीं हो जाते हैं? फिर इसमें एक मंत्री को बाहर कर देना, ये कहीं ना कहीं अजीब लगता है। नहीं देखिए, मुझे लगता है जिस मंत्री को बाहर किया गया है उनकी अगर आप पूर्व में शब्दावली सुनेंगे महिलाओं को लेकर तो वो कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने माता सीता के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी भी की थी, उस वक्त भाजपा के ही लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो। और अगर मणिपुर की बात है तो सच्चाई क्या है? क्या मणिपुर को छोटी घटना दिखाना है इसीलिए बाकी घटनाओं को बड़ा करके दिखाना है? भाई ना, यहाँ बड़ी छोटी की बात नहीं साधना जी, एक सेकेंड, बड़ी छोटी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी घटना है। मैं एक स्पेसिफिक पूछ रही हूँ कि आखिर इस मंत्री को क्या ये कहने के लिए निकाला गया कि अपने राज्य के हालात जो है उन पर भी नजर डालना चाहिए, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी है ना फिर? नहीं नहीं देखिए, उनकी किसी एक घटना के लिए नहीं, मैंने बताया जिस तरह से महिलाओं पर लगातार अभद्र टिप्पणी वो करते रहे हैं उसके लेकर भाजपा ने खुद उनका इस्तीफा मांगा था। भाई हमने तो वो करके दिखाया है कि अगर कोई गलत बोलता नहीं है तो जो पहले उन्होंने टिप्पणी की थी, साधना जी जो पहले टिप्पणी की थी कब की थी, तो उस वक्त क्यों नहीं निकाला गया? देखिए लगातार हमने वॉच किया है उनको, लेकिन उनका अगर कोई व्यक्ति सुधार नहीं लाने का प्रयास करता तो मुझे लगता है उनको दंडित किया जाना चाहिए। अब यहाँ तो सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जब स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें करना पड़ेगा, जब यूरोपीय संसद में मणिपुर पर आलोचना व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है मोदी सरकार के खिलाफ, जब एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके नंगा घुमाया जाता है मणिपुर के अंदर, वो सैनिक ये कहता है कि मैं कारगिल के युद्ध में अपने देश को दुश्मन देश से बचाने में तो सफल हो गया मगर अपनी धर्म पत्नी को देश में पल रहे गुंडों से नहीं बचा पाया, तो क्या ये सुनकर किसी का कलेजा नहीं कांप उठता? नहीं वो तो कांप रहा है साधना जी, साधना जी फिर आप भटक रही हैं। मैं मणिपुर के बारे में पहले ही बोल चुकी कि ये बहुत ही जघन्य घटना है और इसको लेकर सबको शर्मसार होना चाहिए, लेकिन जो टाइम आप जो कह रही हैं कि पहले से इनके बारे में कहा जा रहा था, जो मंत्री हैं उनके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन पहले तो नहीं हटाया गया, उनके इस बयान देने के बाद हटाया गया, तो टाइमिंग को लेके तो हर कोई सवाल उठाता है ना, हर पार्टी सवाल उठाती है टाइमिंग को लेके। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? जी कादम्बिनी जी, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि मणिपुर में अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल आपको पूछने का पूरा हक है, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रही हूँ वो कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस के सीएम के एक्शन के बारे में, अभी के बारे में पूछ रही हूँ। जी मैं बिल्कुल उसका भी जवाब दे देती हूँ। देखिए राजस्थान में जिन दो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले उस घटना के बारे में भी बता देती हूँ। एक दलित, जो दलित बेटियों के साथ जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभद्रता हुई, जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई, उसमें पहले तो नाम अभद्रता, एक तो रेप को रेप बोलिए मैडम प्लीज, अभद्रता बहुत छोटी चीज हो जाती है वहाँ पे। हाँ तो यही कह रही हूँ, छोटी और बड़ी चीज में अंतर समझना पड़ेगा कि बलात्कार हुआ। हाँ। जब बलात्कार हुआ तो उन बलात्कारियों को 24 घंटे में ना सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई, सबको गिरफ्तार किया गया, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता निकले भाजपा के वो लोग जो बलात्कार में शामिल हुए, ये भाजपा क्या सवाल पूछेगी? जो राम रहीम को 7 बार पैरोल पे छुड़वा दिए,
तो कुलदीप सेंगर पे आज तक माफी नहीं मांग सकी है। तो आपका कहना है कि राजस्थान में जो हुआ उस पे फौरन कार्रवाई हुई। चलिए मैं अब कीर्ति आजाद जी के पास जाना चाहती हूँ। कीर्ति आजाद जी, टीएमसी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, वहां भी ये कहा गया है कि महिलाओं पर बेहद ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनको उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। दो घटनाओं के बारे में आपने अभी चर्चा की जी। एक घटना थी जिसमें कि दो महिलाओं को चोरी करते हुए पकड़ा था और वहां के स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ करके पीटा था। दोनों गलत है, चोरी करना भी गलत है और पीटना भी गलत है, उनको सीधा पुलिस के हाथ में पकड़ाना चाहिए था, वह एक बहुत बड़ी गलती वहां हुई थी। दूसरा, आपने बताया कि एक महिला ने कहा कि वह पोलिंग स्टेशन पर गई थी और उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ जी। आपको तो मालूम ही है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगे हुए थे और हर पोलिंग स्टेशन पर वो फोर्स थी, हर पोलिंग स्टेशन पर मीडिया के प्रेजेंस थी, और जब उनका 13 तारीख को उन्होंने शिकायत लगाई, 24 घंटे के अंदर उनके FIR को दर्ज किया गया, CCTV को खंगाला गया, न तो किसी मीडिया में कोई बात आई, न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने ऐसी कोई चीज पकड़ी, और नहीं हमें CCTV में दिखा, नहीं हमें मीडिया में दिखा। यह बात उनसे फिर पुलिस गई और कहा 164 में आप बयान दीजिए, उन्होंने 164 में बयान देने से मना किया। उनसे कहा गया आपने कोई MLC अस्पताल में की गई होगी जो आपके साथ छेड़खानी मारपीट भी या जो बलात्कार हुआ उसके बारे में भी बात करने से उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी के दो डेलीगेशन वहां पर गए, MPOs के दोनों डेलीगेशन से उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अब आप ये बताइए TMC को बदनाम करने की आवश्यकता क्या है? तो आपको लगता है कि बदनाम किया जा रहा है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है? आपके सामने मैंने कहा ये सारे उल्लेख पुलिस ने अपने जिस समय उन्होंने अपना बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया है। अगर आपने आपके ऊपर गड़बड़ी हुई, आप नहीं जाना चाहती, तो पुलिस ने 164 में कहा ना आपको बयान दे दो, आपने अस्पताल में जाकर MLC कराई होगी तो वह दे दो, और साथ में बीजेपी के दो डेलीगेशन 14 दिनों के अंदर गए, उस औरत से बात करनी चाहिए जिन्होंने की आरोप लगाया था, उन्होंने बात करने से मना कर दिया उस MP के डेलीगेशन से। तो इसमें कहां से आप किस बात का आरोप लगाया जा रहा है TMC के ऊपर, मैं ये जानना चाहता हूं। तो आपके मुताबिक बीजेपी ने जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से गलत है। श्वेता शालिनी के पास मैं जाना चाहूंगी, बीजेपी की प्रवक्ता है। श्वेता जी, जो यहां पे कीर्ति आजाद कह रहे हैं उसका जवाब मैं चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी बयान देने से, 164 से, सब कुछ से इनकार कर दिया, इसलिए ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। देखिए, उससे पहले कादम्बिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं साधना जी की बात लेती हूँ। ये जो मामला है जो महिला सुरक्षा का है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और हम सबको, खासकर महिलाओं को, तो इसे बहुत संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए। क्राइम क्राइम होता है, रेप रेप होता है। अभी आप देखें, इन्होंने कहा छोटा रेप है, छोटा मामला है, बड़ा मामला है। छेड़खानी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो महिलाओं की तरफ आंख उठाकर भी देखता। दूसरी चीज आज नहीं, नहीं आप गलत, एक सेकंड साधना जी प्लीज, ये बोलने दीजिए आपको, साधना जी प्लीज पहले जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, हमारे यहाँ इस तरह से हम बहस नहीं करते, चर्चा नहीं करते, अलग अलग सबको मौका मिलेगा, प्लीज। करेक्ट कर रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ, मैंने नहीं कहा छोटा। श्वेता जी, लगभग 33,000 रेप चार्जेस आज केवल मात्र राजस्थान में है। आज अगर आप गहलोत जी को देखते हैं तो उनके बगल में कौन बैठा था? उनके बगल में बैठा था शांतिलाल धारीवाल जी। और शांतिलाल धारीवाल कौन है? जिनको जब पूछा गया कि भाई आपके यहाँ महिला असुरक्षित है, सबसे ज्यादा NCERB डेटा में आपके यहाँ रेप हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा? अरे राजस्थान तो मर्दों का देश है। वो आज गहलोत जी के बगल में बैठे हैं। और निकला कौन? वो राजेंद्र गुड्डा, जिसने कहा कि भाई मणिपुर देखने से पहले पहले अपने गिरेबान में तो छांको और देखो कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है। वो निकाले गए। क्यों निकाले गए? क्योंकि ये लोग शर्मसार होने चाहिए लेकिन है नहीं, और वही आप साधना जी को देख सकती हैं। अब आइए TMC मामले पे। TMC मामले में आज अभी तक ये लोग कह रहे थे कि मालदा का भी मामला झूठा है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, अरे चोरी का मामला है। यहाँ तक कि महिला शशि पांजा जी ने भी जाकर ये कह दिया कि भाई कपड़े निकाल दिए तो क्या हो गया, निर्वस्त्र ही तो किया। भाई महिला जब निर्वस्त्र होती है तो देश निर्वस्त्र होता है। जब भी द्रौपदी के वस्त्र हरण हुए हैं ना, तब तब महाभारत हुआ है और इस बात पे महाभारत होगा ही और होना ही चाहिए, क्योंकि मणिपुर की घटना के लिए हम जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, पूरा देश जिम्मेदारी ले रहा है, और आज 5 आरोपी अंदर हैं और भी कार्रवाई की जाएगी, हर उस व्यक्ति पे की जाएगी। श्वेता जी, ठीक है, आपने आपने दोनों जो TMC और कांग्रेस दोनों के जो प्रवक्ता है उनका जवाब दिया, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और बंगाल की चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हालात दोनों जगह के अलग हैं तीनों के। हाँ,
कादम्बिनी जी, महिलाएं क्या राजस्थान और बंगाल में अलग हैं मणिपुर से? क्या वो भारत देश का हिस्सा नहीं है? जब भारत की थूथू होती है तो क्या बंगाल में महिला शर्मसार होती है तो थूथू नहीं होती है? बहुत आसान है ये कहना कि अभी आप इसकी बात क्यों कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई, आप राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। आप यदि महिला सुरक्षा की बात करनी है तो महिला सुरक्षा की बात कीजिए, ये असंवेदनशील तरीके से चर्चा मत कीजिए। और मैं बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, असंवेदनशील तरीके से चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। कीर्ति आजाद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता था, एक तो ये पूरे देश के ऊपर ना मढ़े कि मणिपुर में जो घटना हो रही है उसको लेकर पूरा देश शर्मसार है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। 3 मई से कुंभकर्ण की नींद सोए थे, 80वें दिन जाकर प्रधानमंत्री की आंखें खुली और 3 मिनट और 36 सेकंड में उन्होंने पूरा मणिपुर का बयान देकर मामले को गोल कर दिया। आप तुलना नहीं कर सकते कि जहां 90 दिनों से इतनी अराजकता फैली भी हो, 60,000 लोग बेघर हो गए हों, बेसहारा हो गए हों और 140 से अधिक लोग मर चुके हों और आज भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को जो 2016 में एक संधि केंद्र सरकार ने उन लोगों के साथ की थी जो मिलिटेंसी करते थे, उसको चुनाव 2017 जीतने के बाद उसको तोड़ दिया, हटा दिया और एक ग्रुप में एक के साथ, संगठन के साथ वह मिलकर मरने लगे और इसके कारण से सभी लोग एकत्रित होकर इस प्रकार का वहां पर समस्या उत्पन्न हुई है। ये तो मणिपुर की बात रही। दूसरी दोनों बात मैंने बंगाल की आपको बता दिया। कहीं पर भी कोई भी घटना महिला के साथ होती है, अभद्र घटना हो, बलात्कार हो, कोई भी गंदा घटना हो, उसकी निंदा हम पूरी तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ एक केस था चोरी का, दूसरा केस था जो उन्होंने अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, उम्मीदवार ने आरोप लगाया था और जब पुलिस ने खुद उनसे कहा कि आइए और आप दीजिए बयान और बताइए हमें, उन्होंने मना कर दिया। आप बता चुके हैं कि पहले डेलीगेशन से मिलना बंद हो गया। ठीक है, मैं जल्दी से टीएमसी के ऊपर आरोप लगाना, साधना भारती के पास जाना चाहूंगी। साधना जी, जल्दी से अपनी बात कहिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं आदरणीय श्वेता जी, आप कानून की बात ना करें। अगर कानून आपकी नजर में एक होता तो पॉक्सो में गिरफ्तारी हो जाती ब्रजभूषण शरण सिंह की, आप नहीं करा पाए। दयाशंकर सिंह ने एक दलित मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से की, आपने अभी भी मंत्री बना रखा है। माता सीता का अपमान करने वाले संजय निषाद को आप आज भी अपनी गोद में, माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद को आप अपनी गोद में बिठाकर सरकार बनाकर बैठे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि राजस्थान और मणिपुर की तुलना इसीलिए हम करने से इनकार करते हैं कि राजस्थान नहीं जल रहा है, मणिपुर चल रहा है 2.5 महीने से। राजस्थान में तत्काल तुरंत कार्रवाई हुई, मणिपुर में नहीं की आपने कार्रवाई। ये आपने जो कहा है कि तुलना नहीं कर सकते, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरजा जी, उनके पास जाना चाहूंगी। नीरजा जी, सबकी बात आपने सुनी, ये तुलना भी हो रही है, कहां पे क्या है, टाइमिंग को लेके भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि हर जगह जिसको कहते हैं कि रिसीविंग एंड पर महिलाएं हैं, चाहे वो क्राइम हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो कहीं पर, या महिलाओं के खिलाफ हो, हर दिन हर जगह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन सबको पता है, चाहे विपक्ष जो है वो बीजेपी रूल स्टेट की बात करे, चाहे बीजेपी जो है वो विपक्ष रूल बात करे, लेकिन फैक्ट है कि महिलाओं के साथ लगातार ज्यादतियां हो रही हैं, उस पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप हर एक स्टेट का चिट्ठा निकाल लीजिए, बहुत अच्छा होगा कि पिछले साल में कहाँ कहाँ रेप हुआ है, कहाँ कहाँ एक्शन हुआ है, कहाँ तक मामला पड़ा। बिल्कुल करिए, मैं तो कहती हूँ। लेकिन आज हमारे सामने क्या है, आज हमारे सामने मणिपुर है, ज्वलंत समस्या मणिपुर है। यहाँ ऐसे क्लासेस हुए हैं और जो जो वायरल जो वीडियो वायरल हुआ है ना, उसको देख के आप सोचते हो कि आप सच में हम 2023 के हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आज 23 के हिंदुस्तान में क्या ये हो सकता है एक लोकतंत्र देश में? और अगर हुआ है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं तो बोलती हूँ कि जो हमने देखा है वो प्रोबेबली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पूरी कहानी तो अभी खुल के आई नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑल पार्टी ग्रुप को जाना चाहिए मणिपुर और लोगों से इन कैमरा बात करनी चाहिए, लोगों को सामने आने दीजिए, अपनी व्यथा बताने दीजिए। हमारा पूरा जो हुआ है मणिपुर में अभी देश के सामने नहीं आया है। और ये तो बिल्कुल सही है कि इससे पूरा देश एकदम जिसमें जैसे कहते हैं गुस्सा भी है और पीड़ा भी है और एक हेल्पलेसनेस है कि ये हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा है गिल्टी विल बी ब्रॉट टू बुक, आई होप ये जल्दी होगा।
और अकाउंटेबिलिटी होगी। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, बिल्कुल फॉलो अप करिए। जहाँ तक बंगाल है, बिल्कुल करिए। हमारे ग्रुप्स को जाना चाहिए, मीडिया को टेकअप करना चाहिए, हर स्टेट में हमको करना चाहिए, इसको जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन आज की समस्या मणिपुर है जी। एक ब्रेक लेते हैं, हम लौटते हैं इस चर्चा पर, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर और राजस्थान और बंगाल के बारे में जो बयान आए हैं उसको लेकर। हमारे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा पर जाने के पहले एक बार मैं आपको बताऊं कि 2021 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसका डेटा क्या बताता है। देश में 428,278 क्राइम हुए महिलाओं के खिलाफ, जिनमें रेप, मॉलेस्टेशन, एसिड अटैक, क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड्स, रिलेटिव्स, डोमेस्टिक वायलेंस सब है। इनमें से 31,677 जो हैं वो रेप केस थे, मतलब कि हर दिन 87 रेप हुए। तो ये आंकड़ा है और इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर रिकॉर्ड किए गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो हैं वो इसमें दूसरे तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। मैं सबसे पहले मैं कीर्ति आजाद के पास जाना चाहती हूँ। कीर्ति आजाद जी, नीरजा जी ने यहाँ पर कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारी, सीनियर हैं बहुत, उन्होंने कहा कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वहाँ की स्थिति बेहद चिंताजनक है, गंभीर है। लेकिन अगर ऐसे ही जो हालात जो बने हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के आरोप लग रहे हैं टीएमसी के ऊपर, उसके लिए अगर इस तरह का कोई ग्रुप जो है अगर बंगाल जाना चाहे तो क्या टीएमसी इस बात को मानेगी? भेज दीजिए ना, उन्होंने वैसे भी भेजे ही हैं दो एमपीओ के डेलीगेशन, 15-15 एमपी गए थे और जिनसे वो बयान लेने के लिए गए उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। वो तो पुलिस के पास जाने से उन्होंने मना कर दिया। तो ये तो स्वतः स्पष्ट है, जो सीसीटीवी में नहीं दिखा, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को नहीं दिखा, जो वहां पे मीडिया को नहीं दिखा, तो ये तो स्वाभाविक है कि वो जिस प्रकार से कहा गया है। तो यह देखा जाए तो बदनाम करने का प्रयास है। मणिपुर को आप बंगाल के साथ नहीं जोड़ सकते। मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, कुंभकर्ण की नींद अभी जगे हैं प्रधानमंत्री। 36 मिनट 3 लाइनें, बीरेन्द्र सिंह ने कहा एक वीडियो नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। अब आप मुझे बताइए इसके बाद और क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, जहां खुद हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, चीफ मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री कहते हो कि ऐसे सैकड़ों और पड़े हुए हैं। ऐसे में तो तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए और दूसरे राज्यों को बेवजह बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। साधना जी, आप यहाँ पर कह रही हैं कि FIR हुआ, लेकिन जो हम लगातार देख रहे हैं, जो नंबर्स जो आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, NCERB के आंकड़े हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर बना हुआ है, ये एक समस्या है या नहीं है? साधना जी, आपने खुद को म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करिए खुद को पहले। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आई। देखिए, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि राज्य चाहे राजस्थान हो, कहीं पर भी ऐसा लगता ही नहीं आज महिलाएं सुरक्षित हैं। कोई कहीं से खबर निकल कर आती है, इसमें भाजपा कांग्रेस की भी बात मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ। इसमें एक महिला होने के नाते और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ एक बेटी होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है भाई मणिपुर के अंदर हुआ है, ये तो राजस्थान में, तो वहां एक्शन भी हुआ और राजस्थान में 2.5 महीने से नहीं चल रहा, हमने इतना इंतजार नहीं कराया। ऐसा क्यों है कि स्वतः संज्ञान जब सुप्रीम कोर्ट लेता है, एक मिनट में बात खत्म करूंगी, स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्यों प्रधानमंत्री जी जाकर बर्खास्त? ठीक है, ये आप बोल चुकी हैं, हमारे पास वक्त कम है, हम बीजेपी की प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। श्वेता शालिनी जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए गगननी जी, आपने भी डेटा दिया और बहुत लोग यहाँ डेटा दे रहे हैं, मैं एक डेटा देना चाहूंगी। दो, ये जो एथनिक वायलेंस है ये मणिपुर में कांग्रेस की ही देन है। 2004 से लेकर 2013 तक लगभग 4763 इंसर्जेंसी के मामले तय किए गए। 2014 से अभी तक लेकर केवल मात्र 1600 इंसर्जेंसी के मामले हैं। 5 मार्च 1966 में कांग्रेस ने तो मणिपुर पर बॉम्ब तक डाल दिए थे।
आज जो साधना जी आपसे बात कर रही हैं उसी में आप इनसे पूछिए कोटा में। श्वेता जी, वक्त मेरे पास नहीं बचा है, आप जो कह रही हैं एथनिक वायलेंस की बात, ये काफी लंबी बात है, लेकिन अभी अभी जो हो रहा है वो बेहद गंभीर वाकया जो हुआ है, और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पार्टियों का ये जो पूरा चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, वो मसला भी अपने आप में गंभीर है। एक भी पार्टी जो है या एक भी राज्य है, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से कम मैली है कि आप कहें कि मेरी कमीज बिल्कुल साफ है, बिना दाग के है। नीरजा जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि मणिपुर का रेप में एक और डायमेंशन है कि महिला को बलात्कार, महिला का बलात्कार करना एक कम्युनिटी को सजा देने का तरीका जी ओपनली इस तरह से, तो वो डायमेंशन को भी हम नहीं भूल सकते हैं। हाँ। और मैं तो कहूंगी कि बहुत अच्छा होगा अगर बीजेपी के ग्रुप जाए, नॉन बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, और डेटा कलेक्ट करें कि कितने रेप हुए राजस्थान में, जाए कितने रेप हुए, कितना एक्शन हुआ, कहाँ तक मामला पहुंचा, कोर्ट ने क्या कहा है, और बाकी लोग जाएं भाजप थ्रू स्टेट में, तो हमारे सामने जहाँ तक महिला के खिलाफ अत्याचार है उसके बारे में ज्यादा हम देश को पता लगेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, इस समय सवाल सिर्फ मणिपुर का है कि वहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट क्या करने जा रहा है, सरकार क्या करने जा रही है। जी, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को हथियार मत बनाइए, महिलाओं के ऊपर राजनीति मत करिए, वो जमाना खत्म करिए जहां महिलाओं के जरिए अपनी इज्जत का दिखावा या फिर अपने बदले का दिखावा करें। महिलाएं इसके लिए नहीं है, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और खबरों के साथ लौटते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है। 10 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बरामद भी की गई है। करीब 7,20,000 यूएस डॉलर हैं, 4,66,200 यूरो भी बरामद हुए हैं। मामले में इस्तानबुल जा रहे ताजिकिस्तान के 3 नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। आईजीआई टर्मिनल 3 पर शुक्रवार को ये कार्रवाई हुई। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से बाढ़ के हालात हो गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हालात किस तरह के बने हुए। ये भयानक तस्वीरें वहां से आई हैं। कई लोगों के फंसे होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के यवतमाल में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को बुलाया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यवतमाल के महगांव में बाढ़ के पानी में 45 लोग फंसे हुए हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें निकाला जाएगा। यवतमाल में करीब 231 मिलीमीटर बारिश हुई है। आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।